इसमें चार गियर मिलते हैं, इसमें पांच गियर मिलते हैं, इसमें पतला टायर मिलता है और इसमें चौड़ा टायर मिलता है। भाई जो अच्छा ही है वो मैं अच्छा कहूँगा, और जहाँ पर मुझे थोड़ा भी गलत लगेगा कस्टमर के लिए मैं वहाँ पर वो कहूँगा। मतलब इधर ये थाई सपोर्ट भी हमें इसमें अच्छा मिलता है जबकि इसमें उस लेवल का नहीं मिलता है। यहाँ बात करेंगे सिर्फ फ़ायदे की। हीरो कंपनी ने अभी रिसेंटली स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का नया वाला वेरिएंट लॉन्च कर दिया है एक्सटेक 2.0 के नाम से, और इसकी एक्सोरूम प्राइस रखी है कंपनी ने 82,911 रुपये। वहीं दूसरी ओर हीरो में ही 125 सीसी के सेगमेंट में सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक भी आती है, इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 84,000 रुपये के आसपास। ठीक है, इन दोनों बाइक के बीच में लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का अंतर है ऑन रोड आते आते। तो क्या हमें स्प्लेंडर 100 सीसी वाली लेनी चाहिए या फिर सुपर स्प्लेंडर 125 सीसी वाली लेनी चाहिए? यदि आप भी कंफ्यूज्ड हो, आप भी जानना चाहते हो कि आपके रुपए जो हैं सही जगह लगें, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इन दोनों बाइक के बारे में बताने वाला हूँ और इन दोनों के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। इन दोनों ही बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलता है, स्प्लेंडर प्लस जो है ये 112 किलो की है और सुपर स्प्लेंडर जो है 122 किलो की है। सीट हाइट में भी थोड़ा डिफरेंस है, इसकी है 785 mm की और इसकी है लगभग 792 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस में भी फ़र्क देखने को मिलता है, इसमें मिलता है 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और सुपर स्प्लेंडर में मिलता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। लेफ्ट से प्रोफाइल इन दोनों बाइक की कुछ इस तरीके की है। फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल ORVM का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 डिज़ाइन पुराना वाला ही दे दिया है इसमें, लेकिन ये देखो नए नए ग्राफिक्स मिलते हैं। हीरो स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया गया है। ORVM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है एंड इसमें इंडिकेटर चेंज कर दिए गए हैं। हेडलाइट फुल LED रिफ्लेक्टर सेटअप दे दिया है इसमें। इग्निशन के ऑन होते ही इसके DRL ऑन हो जाते हैं एंड इस बाइक में हज़ार्ड लाइट का फीचर मिलता है। बात करते हैं सुपर स्प्लेंडर की। इसके हेड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये क्रोम मिल जाता है, हीरो का 3D में लोगो मिलता है, ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसमें भी रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है और साइड टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके के हैं। इग्निशन के ऑन होने पर इसका भी DRL ऑन हो जाता है एंड इसमें हज़ार लाइट का फीचर नहीं मिलता है। एक चीज़ यार यहाँ पर ये नोटिस करो, ये 125 सीसी की बाइक है, इसका इंडिकेटर छोटा है। ये 100 सीसी की बाइक है और इसमें इंडिकेटर इतने बड़े बड़े दे दिए हैं, मुझे तो थोड़ी सी ऑड लग रही है भाई। आपको क्या लगता है, अपनी राय बता सकते हैं आप। फ्रंट में दोनों ही बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन इसका कुछ इस तरीके का है एंड इसका कुछ इस तरीके का है। इसका थोड़ा सा हैवी एंड मस्कुलर लगता है, उसका एकदम स्लीक दिया गया है। रिफ्लेक्टर इसमें मडगार्ड पर है और इसमें सस्पेंशन पर दिए गए हैं। दोनों ही बाइक में 18 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए हैं। अलॉय का पैटर्न सेम है। टायर की बात की जाए तो इसमें MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर। फ्रंट टायर साइज है 1818। बात करें स्प्लेंडर की, इसमें दिया गया है यूरोग्रिप कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर एंड फ्रंट प्रोफाइल है 1818। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, दोनों ही बाइक में IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में दोनों ही बाइक में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर के साथ में एक एडवांटेज है, ये बाइक जो है डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है। डिस्क के लिए आपको लगभग 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। दोनों बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, स्प्लेंडर प्लस का कुछ इस तरीके का है। हीरो का 3D में इधर ये बैज मिल जाता है। ग्राफिक्स इसके कुछ इस तरीके के मिलते हैं। इसमें 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। सुपर स्प्लेंडर के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सुपर स्प्लेंडर का 3D में बैज मिलता है। ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के हैं, एक्सटेक को मेंशन किया गया है। इसमें 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, फ्यूल टैंक बड़ा मिलता है इससे, और दोनों ही बाइक में E20 का सपोर्ट हमें मिल जाता है। इस एंगल से मैं आपको दोनों बाइक के हैंडल टैंक के डिज़ाइन को दिखाता हूँ, जो कि कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं सुपर स्प्लेंडर से पहले स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के। भाई इसमें फीचर बटन जो है चेंज कर दिए गए हैं, पहले से ज़्यादा प्रीमियम कर दिए हैं। भाई जो अच्छा ही है वो मैं अच्छा कहूँगा, और जहाँ पर मुझे थोड़ा भी गलत लगेगा कस्टमर के लिए मैं वहाँ पर वो कहूँगा। इसमें पहली बार पासिंग स्विच आ गया है, लो बीम हाई बीम, हज़ार लाइट का फीचर,
साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच, I3S का स्विच, सेल्फ का स्विच, यहाँ पर USB-A चार्जिंग पोर्ट, इमरजेंसी में फ़ोन को चार्ज करो, बढ़िया है ये फीचर। चाबी इसमें कुछ इस तरीके की दी गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं सुपर स्प्लेंडर की। इसमें पासिंग स्विच पहले भी आता था, लो बीम हाई बीम, इसमें कोई भी हज़ार लाइट का स्विच नहीं है। साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर I3S, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन। चाबी इसमें थोड़ी सी हैवी मिलती है, इसकी चाबी मुझे पसंद आती है। एंड USB-A चार्जिंग पोर्ट इसमें भी दिया गया है। मीटर की अगर बात की जाए तो इग्निशन के ऑन होते ही मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। जैसे कि ऑन करोगे इसको तो सबसे पहले तो आपका नाम लिख कर आएगा, ठीक है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज मिलता है, रियल टाइम एवरेज देख सकते हो, और मोबाइल की कनेक्टिविटी मिलती है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है जिसमें आप कॉल, मिस कॉल, मैसेज, बैटरी, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें देख सकते हो। और दोनों बाइक में सेम मीटर मिलता है, ये देखिएगा सेम मीटर है दोनों बाइक में सेम फीचर्स के साथ में। आइए बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 में मिलता है 97.2 cc का इंजन, वहीं दूसरी ओर सुपर स्प्लेंडर में मिलता है 124.7 cc का इंजन। कॉमन है BS6 Fi, सिंगल सिलेंडर, एयर कूल्ड, 4-stroke 2-valve इंजन। दोनों ही हीरो कंपनी के इंजन है और परफॉर्मेंस दोनों से ही काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.9 bhp की 8000 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 Nm का 6000 rpm पर। वहीं दूसरी ओर सुपर स्प्लेंडर के इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 Nm का 6000 rpm पर। तो भाई नो डाउट इंजन में पावर और टॉर्क जो है ज़्यादा हमें मिलता है सुपर स्प्लेंडर में। दोनों ही बाइक में क्रैश गार्ड मिल जाएंगे, अभी इसमें नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें 4 गियर मिलते हैं, इसमें 5 गियर मिलते हैं, और कनेक्टेड इसमें ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इसमें भी साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 को मेंशन किया है। इसका साइड पैनल कुछ ऐसा है, सीट का डिज़ाइन इसका कुछ इस तरीके का है, काफ़ी लंबी चौड़ी इसमें सीट दी गई है, आराम से लंबा टूर भी अपन इससे कर सकते हैं। लेकिन भाई इसकी सीट देखो कितनी पतली लगा कर दी है, कितना डिफरेंस है, ये देखना, ये देखो और ये देखो, मतलब इधर ये थाई सपोर्ट भी हमें इसमें अच्छा मिलता है जबकि इसमें उस लेवल का नहीं मिलता है। इसकी सीट देखो और इसकी सीट देखो, भाई ज़मीन आसमान का अंतर है। I3S का यहाँ पर सिंबल, इधर हीरो, ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, इसमें ग्रेवरेल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, चैन सेट कवर मिल जाता है इसमें भी और इसमें भी। भाई दोनों ही बाइक में फाइबर के चैन सेट कवर मिलते हैं, जी हाँ फाइबर का ही है। इसमें पहले मेटल का आता था पुराने वाले एडिशन में, लेकिन अब इसमें भी फाइबर का आने लगा है। दोनों ही बाइक में रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं, एंड चैन सेट कवर बता ही दिया, ये लेडी फुट पैड एंड साड़ी गार्ड मिल जाता है। बात कर लेते हैं रियर टायर की, इसमें रियर में भी यूरोग्रिप का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है, एंड रियर टायर प्रोफाइल है 80-118। बात कर लेते हैं सुपर स्प्लेंडर की, इसमें MRF कंपनी का है रियर में, और ये टायर साइज है 90-90-18। इसमें पतला टायर मिलता है और इसमें चौड़ा टायर मिलता है। दोनों बाइक की रियर से प्रोफाइल को जिस तरीके की है, इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। इसमें हज़ार लाइट का फीचर है, टेल लाइट भी इसमें चेंज की गई है पहले से, और इसका कुछ जिस तरीके का है। इसमें ये भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बल्की कर दिया गया है, ये देखो थोड़ा ज़्यादा ही हैवी नहीं कर दिया, जबकि ये हैवी बाइक है, इसमें देखो थोड़ा सा स्लीक लगता है। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था IBS मिलता है दोनों में ही। जैसे रियर वाला ब्रेक आप अप्लाई करोगे वैसे ऑटोमेटिकली आगे वाला ब्रेक लगेगा, और दोनों ही बाइक में रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम हमें मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा, और इसका कुछ इस तरीके का है। दोनों ही बाइक में हमें किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है, ये देखिए, ये रहा यूटिलिटी बॉक्स, ये नया आ गया है, और इसमें यूटिलिटी बॉक्स किधर से है, इसमें नहीं है, इधर ये क्रोम दिया गया है। भाई इनका डिटेल वॉक अराउंड कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। इसमें नया एग्जॉस्ट आया है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 में। बैटरी डाउन हो गई, चलो किक से स्टार्ट कर लेते हैं। ओ एक ही किक में स्टार्ट होगी भाई, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए,
स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक्ट 2.0, एग्जॉस्ट नोट। अब मैं थ्रॉटल देता हूँ, कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है। अब स्टार्ट कर लेते हैं सुपर स्प्लेंडर को। ये एक ही बार में स्टार्ट हो गई। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, इसमें भी कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है। किसका इंजन साउंड ज़्यादा बेहतर लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। दोनों ही बाइक हीरो कंपनी की है, सेम वारंटी मिलती है 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इसमें 100 CC का इंजन मिलता है, इसमें 125 CC का इंजन मिलता है, लेकिन भाई दोनों ही बाइक से आपको काफ़ी अच्छी माइलेज मिल जाएगी। स्प्लेंडर जो इनकी 100 CC वाली है इससे लगभग 70 से 80 के बीच में मानकर चलिए, और जो इनकी सुपर स्प्लेंडर है इससे आप 65 से 75 के बीच में मानकर चलिए, लगभग 5-7 किलोमीटर का ही फ़र्क देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। आइए बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। दोनों ही बाइक में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे। ये नॉर्मल में भी आती है, एक्सट्रैक में भी आती है, अब तो इसका एक्सट्रैक 2.0 एडिशन आ गया है। और सुपर स्प्लेंडर जो है ये नॉर्मल में भी आती है, डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है और एक्सट्रैक में भी आती है, मतलब जो इसमें फीचर्स मिल रहे हैं वही इसमें भी हमें मिलते हैं। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी एक्सोरूम प्राइस है 82,911 रुपये, और इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग आप 84-85 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको 98,000 रुपये की मिलेगी, और ये बाइक जो है 101,000 रुपये के आसपास मिलेगी। तो ऑन रोड आते आते ये अंतर जो है 3,000 रुपये का ही रहता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। सर्विस की अगर बात की जाए तो भाई दोनों ही बाइक पर कंपनी 5 सर्विस फ्री देती है। आइए बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक किसे लेनी चाहिए। भाई जिस किसी को भी ब्लाइंड फेथ और ब्लाइंड लव है ना, मतलब जिसको स्प्लेंडर प्लस ही चाहिए वही इस बाइक को ले। एक फ्रेम में दोनों बाइक है इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। और इसमें 1000 लाइट का फीचर एडिशनल मिलता है, माइलेज ज़्यादा मिलती है और इससे ये 2-3 हज़ार रुपये सस्ती है। अगर ये आपके लिए पॉइंट मैटर करते हैं तो ये बाइक आपके लिए बेहतर है। आइए बात कर लेते हैं जो लोग भी एक समझदारी भरा डिसीजन लेना चाहते हैं कि भाई हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रैक, क्यों? क्योंकि जो फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं वही फीचर्स आपको इसमें भी मिलते हैं। केवल 1000 लाइट का फीचर इसमें आपको एडिशनल मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। फुल LED सेटअप, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है। और इस बाइक में काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। इंजन पावर भी अच्छा है, टॉर्क भी अच्छा है, बड़ा इंजन मिलता है। देखने में ये बाइक जो है मस्कुलर लगती है। डिस्क वेरिएंट भी आता है, उसके लिए आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई सीट की देखिए ज़्यादा मिलती है, ठीक है। रियर वाला टायर चौड़ा मिलता है एंड लुक इसका भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो भाई मैंने रीजंस आपको बता दिए हैं, मैं आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सट्रैक रिकमेंड करूंगा। आपने कौन सी पसंद की, आपने अपने लिए कौन सी सिलेक्ट की प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं, इनके राइड रिव्यू देखना चाहते हैं और भी बाइक के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोज़ का लिंक जो है आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यदि वहाँ ना मिले, आप लेटेस्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस बाइक के साथ में इनका कंपैरिजन देखना है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड अभी पर ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।